सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज भिडियो आम बायोलॉजिकल साइंस किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा, जोटा कि आपंकर आगे आसुवा बीड एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट रहा है। फ्रेंड्स भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व भिडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे गोटे लाइक कर दिंतु, और चैनल को जब फर्स्ट टाइम पर आज चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, लेटेस्ट भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आम वन जी क्वेश्चन नंबर वन आपको द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। तो फ्लावर विषय में जब आम स्टडी करवा तो कौन बोली कह जाए, तो फ्लावर फ्लावर के विषय जब स्टडी करथोलोजी कह जाए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपला पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ऑलरेडी आम बहुत थर डिस्कशन करे, तो ह्यूमन ब्लड रो पीएच वैल्यू जब पचारा तो आपन करेंगे 7.4। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट आपको देखते हिमोग्लोबिन इज, तो हिमोग्लोबिन गोटे कौन प्रोटीन दे कार्बोहाइड्रेट ना फैट ना विटामिन, तो मन रखिए हिमोग्लोबिन इज वन टाइप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देखते आपको दे विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। तो क्यों विटामिनटा आम बॉडी रे माने मोस्ट रैपिडली अति शीघ्र आम बॉडी रे कौन होता है मैन्युफैक्चर होता है, बॉडी रे तैयारी करता है, तो बॉडी तैयारी करता है दैट इज आप जानते विटामिन डी आम बॉडी रे तैयारी करता है केमिति ना जितने सका खरार आप बॉडी विटामिन डी आम पाई तैयारी माने से आम बॉडी रे ओन आम बॉडी रे तैयारी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आप तो जानते हैं विटामिन ए कथा यदि कह तो जानते आप नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस तो आरो केमिकल नेम हूँ रेटिनॉल जानते। नेक्स्ट हूँ विटामिन बी बा बी वन डेफिशिएंसी बेरी बेरी होता है जोटा थायमिन बोली कहुए थायमिन डेफिशिएंसी। सी कथा यदि कह आस्कॉर्बिक एसिड स्कॉर्बी होता है, डी कथा यदि कह रिकेट्स होता है आउ ओस्टियोमालेसिया होता है, केमिकल नेम कथा यदि कह कैल्सिफेरॉल जानते। नेक्स्ट पॉइंट एक्युमुलेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन आवर मसल लीड्स टू फैटिक, तो क्यों टी अधिका एक्युमुलेट कले तो आम बॉडी मसल ले फैटिक होवार चांस थाए, तो सी हो लैक्टिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देला द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज वेरी इंपोर्टेंट, तो अर्थ रो एस्केप वेलोसिटी कथा यदि कहवा सी हूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो आ भितर क्यों पेयरटा करेक्टली मैच हैनी, तो आम जब करेक्टली मैच कथा देखा तो राइट आंसर हो कौन ना टैचोमीटर आउ सी मापी थाए प्रेशर डिफरेंस, तो यहाँ आई आप कौन ना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट आप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर, तो सिंपल कही अल्कोहल आउ वाटर मिक्सचर को सेपरेट करने क्यों प्रोसेस आम यूज करता, तो से प्रोसेस ना है डिस्टिलेशन प्रोसेस, क्यों प्रोसेस डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ए ह्यूमन हार्ट वेरी इंपोर्टेंट, तो आप जानते तो ह्यूमन हार्ट रे केतरा चैम्बर थाए, तो ह्यूमन हार्ट कथा यदि कहवा चार्टा चैम्बर थाए, तो राइट आंसर हो बी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट्स रस्ट, तो क्यों मेटालटा आयरन दिए मैंने आपर आयरन में गोटे कोट दि जाए तो जमीती कि रस्ट फ्री रहा, तो रस्ट फ्री रहापी आप जानते जिंक रो कोट दि जाए, जिंक कोटिंग दि जाए, क्रोमियम रो मध्य कोटिंग दिया जाए, क्रोमियम कोटिंग रे जोटा को हमें कौन कही था ना स्टेनलेस स्टील बोली कही था, कौन कही था स्टेनलेस स्टील क्रोमियम कोटिंग जनरली दिया था, तो आपको आउ गोटे एटा अदरवाइज पचारि परिबो जे स्टेनलेस स्टील रे कहार कोटिंग थाए, तो आप कहे क्रोमियम रो। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा एथलेट्स फुट इज ए एथलेट्स फुट इज ए डिजीज कॉस्ट बाय, तो आप जो एथलेट्स फुट एटा गोटे वन टाइप ऑफ डिजीज एटा का द्वारा होता है, तो एटा फंगस मान द्वारा होता है फंगल डिजीज जोटा। नेक्स्ट इन आई डोनेसन व्हिच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज, तो जदि आई डोनेसन हम तो जे डोनेट जे आई डोनेट कर तो ता से डोनेट कर लोकर क्यों पार्टा आईर क्यों पार्टा जेनेली यूटिलाइज होता है, तो सी हूँ आप कर्निया कि हम ना कर्निया दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी, तो हनी महुर मेन कंपोनेंट किए, तो महुर मेन कंपोनेंट हूँ फ्रुक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम, तो साउंड रो वेलोसिटी मिनिमम केउठारे ना साउंड रो वेलोसिटी मिनिमम वैक्यूम रे मिनिमम होची वैक्यूम रे, तो आपन कहबे मैक्सिमम केउठारे साउंड रो वेलोसिटी मैक्सिमम केउठारे तो रे कमेंट सेक्शन कहबे। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर, तो ह्यूमन ईयर रे जदि आपन कहबा ईयर कथा तो ईयर रो सबुट छोटो बोन होची आपन जानछन ईयर बोन दैट इज स्टेप्स, तो एटा होची सबुट कोन ना छोटो स्मॉलेस्ट बोन,
तो आपन जदि लॉन्गेस्ट कथा कहबा सॉरी लॉन्गेस्ट कथा जदि कहबा फीमर हे जीव कोन जीव फीमर हे जीव जानिचंती तो इयर रे केतटा कोन थाए ना बोन थाए तो सी हे जीव 6टी थाए। नेक्स्ट पॉइंट ए सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स तो सैटेलाइट आपनकर कोन कोडी बोल थाए ना सैटेलाइट मूव करथाए अराउंड इट्स ऑर्बिट ता ऑर्बिट चारिपटे बोल थाए तो एटा कोन पई ना ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा माने कारण से आप बोलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ देखो द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम पेंडुलम रा टाइम पीरियड क्या उपर डिपेंड करे ना डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ तो तार लेंथ उपर डिपेंड करे। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा नेक्स्ट पॉइंट आप इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी तो रस्टिंग जदि है कलंकी लगेगा तो आयरन वेट कम हम बहुत थर एटा पचारे तो आयरन वेट इनक्रीज कर। नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ कौन ना देखिए देखूँ मेलबोमियान ग्लांड इज लोकेटेड इन तो मेलबोमियान ग्लांडटा क्यों देखा जाए तो यहाँ आप आई रे देखा जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए देखूँ द वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप तो आम बॉडी वेट तो मोस्टली क्या द्वारा तो आप कौन ना वाटर द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया तो क्यों ऑर्गनटा मलेरिया हेले क्यों ऑर्गनटा अफेक्ट होता है तो मलेरिया हेले तो स्पेलिंगटा अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन तो आर्टिफिशियल रेन पे क्यों सब्सटेंसटा यूज करा जाए तो आर्टिफिशियल रेन पे सिल्वर आयोडाइड यूज करा जाए कौन यूज करा जाए सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबेल गैस तो क्यों गैस को हमें नोबेल गैस बोली कहीदे हाइड्रोजन तो हम ऑक्सीजन हमी तो बाकी रहा हीलियम तो हीलियम ही हम कारण आम जानू नोबेल गैस एलिमेंट दैट इज ग्रुप 18 एलिमेंट ग्रुप 18 एलिमेंट बा जीरो ग्रुप एलिमेंट द इनर्ट गैस एलिमेंट जानते तो किए से ना हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन तापर रेडन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई तो लाई डिटेक्शन पे क्यों माने आपन को पचार जो डिवाइस यूज करा जाए तो सी हो पॉलीग्राफ कौन यूज करा जाए पॉलीग्राफ इंपोर्टेंट लाई डिटेक्शन पे पॉलीग्राफ यूज करा जाए। नेक्स्ट एलिसा टेस्ट बहुत इंपोर्टेंट एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट तो एलिसा टेस्ट आप माने क्यों रोग को कौन डिटेक्ट करने यूज करा जाए तो सी हो एड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देला ए मैन हू डजंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम जिते गोटे मैन जापना के कौन ए मैन हू डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम तो सी क्यों रोग सफरिंग अच्छी आम कहीपर तो सी बुलिमिया रोग सफरिंग अच्छी आम कहीपर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट इनटू माने आप पचारे एसी रू डीसी को कन्वर्ट करवा तो माने क्यों डिवाइसटा आमको दरकार पड़ो तो सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा तो रेक्टिफायर यूज हम एसी रू डीसी कन्वर्ट करा गले। नेक्स्ट हूँ ऑक्टेन नंबर इज यूज फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ तो ऑक्टेन नंबर टा आम क्या यूज कर जेनराली मेजर करा यूज करूँ तो सी हूँ पेट्रोल को यूज कर मेजर करा। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा बहुत इंपोर्टेंट बेकिंग सोडार केमिकल नेम पचार तो बेकिंग सोडार केमिकल नेम हो सोडियम बाइकार्बोनेट कौन है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट तो सोडियम क्लोराइड कार जानते सोडियम क्लोराइड NaCl दैट इज टेबल सल्ट खाइबा लुणर। नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ स्काय अपीयर्स ब्लू ड्यू टू इट्स तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो स्कायटा ब्लू देखा जाए ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आउट रहा कौन ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट तो क्योंटी गोटे प्लांट प्रोडक्ट नुहे माने गच्छर आपर तैयारी हो न था प्लांट प्रोडक्ट नुहे तो राइट आंसर हो देखु कौन ना साकारीन कौन हो साकारीन हो राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा नेक्स्ट देला देखु कौन देला ना आपला आर्थिटिक्स इज कॉस्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी तो कौन देला देखु देखु आर्थिटिस आर्थिटिसटा होता है आपर यूरिक एसिड जदि बोन जॉइंट रे अधिक माने आपर कौन ना माने आपर जो जॉइंट पार्ट रे तो सेठी जदि आपर बॉडी रो जॉइंट पार्ट रे जमा हो जाए यूरिक एसिड तो ये रोगटा होता है। नेक्स्ट द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन लाइमस्टोन रो केमिकल नेम पचार तो लाइमस्टोन हूँ कौन ना सीए CO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा नेक्स्ट है ब्रोंज इज एन अलॉय तो ब्रोंज कहार अलॉय ब्रोंज तो गोटे है ब्रोंज गोटे है ब्रास तो ब्रोंज कथा पचार ब्रोंज हो कपर युक्त टीन हेले ब्रोंज हम। नेक्स्ट
हुई वन अफ दि फलोईंग भिटामिन आर व्वाटर सल्युबुल तो व्वाटर सल्युबुल फैट सल्युबुल दुटा रहा तो फैट सल्युबुल कथा यदि कह तो आप जानते फैट सल्युबुल है किए ना ए डी ई के हूँ फैट सल्युबुल व्वाटर सल्युबुल बाकी रहा जी सी आउ डी सी सरी बाकी रहा किए ना आपर बी आउ सी बाकी रहा किए बी आउ सी तो बी आउ सी है व्वाटर सल्युबुल ये फैट सल्युबुल नेक्स्ट है द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स तो गोटे ट्री र एज केमी डिटरमाइंड होता है तो ग्रोथ रिंग को नेक्स्ट दे द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय तो मिल्क डेंसिटी हमें लैक्टोमीटर सहायता मेजर कर पार नेक्स्ट इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क्स ऑन तो ऑटोमोबाइल एटा इंपोर्टेंट तो हाइड्रोलिक ब्रेकटा जोटा आपर ऑटोमोबाइल मानक कौन कर फंक्शन कर तो सेटा क्यों लॉ को मानुचे तो सी पास्कल लॉ अनुसार काम कर नेक्स्ट हूँ द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड लिक्विड पेट्रोलियम गैस दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो एलपीजी रो मेन कंपोनेंट आपको पचार तो एलपीजी रो मेन कंपोनेंट माने तो आप खोजे कौन ना ब्यूटेन कौन खोज ब्यूटेन तो ब्यूटेन थाए इथेन थाए प्रोपेन थाए दैट इज इथेन प्रोपेन ब्यूटेन नेक्स्ट lack of which of the following substance in our body causes diabetes तो diabetes आपर किए मानने कौटार अभाव डायबिटीस होता है जेनराली पचार तो इनसुलिन अभाव कौन होता है इनसुलिन तो फ्रेंड्स ओवरअल आम कि इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कशन कले जदि आपको भिडियो भल लगे भिडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे सांग सहित भिडियो को शेयर करेंगे आउ चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमें पाए सो थैंक यू।